Hello everyone, myself Jyotsna. I am from Delhi. I did my post graduation in biochemistry from Kurukshetra University, Kurukshetra, and also having teaching experience in nearby coaching centers. This is all about me. Now I want to share my little bit knowledge with you guys. So our topic is mechanism of hormonal action. Before we start our main topic, let's discuss what we are going to discuss in our topic. So first of all, chemistry of hormones. Chemistry, or we can say types of hormones and receptors. Third one is mechanism of hormonal action. Major part, mechanism of hormone. ठीक है, so let's start. Types of hormones. There are two types of hormones. Is lipid insoluble hormone, a lipid soluble. And second is lipid insoluble. Lipid soluble के कौन से examples होते हैं? Let's see. First, iodothyronin में आते हैं T3 and T4 are thyroid hormones. And second one is sex hormones are progesterone, estrogen, estrogen, है ना, ये सारे sex hormones होते हैं. And major corticoids, oids, जितने भी हैं वो भी सारे lipid soluble होते हैं, oids, like glucocorticoid, mineralocorticoid, androgens, ठीक है. Next one is lipid insoluble. Lipid insoluble hormones also having two types, amino acid derivatives कौन से होते हैं? Catecholamines जिसमें आते हैं basically. Catecholamines कौन से होते हैं? Adrenaline and noradrenaline, epinephrine and norepinephrine, okay, and noradrenaline. सेकेंड वन इज प्रोटीनिशियस हॉर्मोन और पेप्टाइड हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? रिमेनिंग जितने भी होते हैं सारे, कौन कौन से? LH, FSH, पेनक्रियाटिक हॉर्मोन्स जितने भी हैं, लाइक ग्लूकागन, इंसुलिन, ग्रोथ हॉर्मोन्स, ठीक है. This is all about types of hormones. Now second, receptors. What is receptors? These are specific proteins which is present on the membrane of the target cell or inside the cell, cytoplasm mein. Ya to, for example, diagram ke help se hum dekhte hain. ये क्या है? हमारे पास सेल है, ठीक है. सेल क्या होती है? बायलेयर होती है, बायलेयर, लिपिड बायलेयर होती है ना, लिपिड से बनी होती है, लिपिड बायलेयर होती है. रिसेप्टर्स मैंने बताया दो टाइप के, एक तो ऑन द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जांपल, रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये हमारा रिसेप्टर है. एक यहाँ पे प्रेजेंट है और एक इनसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है. तो ये कौन सा हो गया? ऑन द मेम्ब्रेन, एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ओके. एंड ऑल्सो जो न्यूक्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, ऑन द प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इनसाइड द सेल, ओके. अब हम देखते हैं जो ये रिसेप्टर्स होते हैं इनकी हेल्प से ही हम अपना मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन एक्शन कराएंगे. कैसे होता है देखना, लेट्स सी. फॉर एग्जांपल, पहला हमारा कौन सा था? लिपिड सॉल्युबल था.
सेकेंड था हमारा लिपिड इनसॉल्यूबल. ठीक है, लिपिड सॉल्यूबल का क्या मतलब होता है? सॉल्यूबल मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, है ना, कि भाई सॉल्यूबल. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था कि जो हमारी सेल होती है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड से बनी होती है. मेजरली लिपिड कॉम्पोनेंट होता है, बाकी भी होते हैं प्रोटीन वगैरह, बट मेजर कॉम्पोनेंट कौन होता है? लिपिड होता है. तो जो लिपिड की बाइलेयर होती है, ये अब हार्मोन क्या होता है? मैसेंजर होता है. कोई भी बाहर से कोई भी सिग्नल लेके और अंदर सेल के पास पहुंचाना होता है. कोई भी अगर बॉडी का कोई फंक्शन कराना है तो हार्मोन क्या करेगा? बाहर से मैसेज लेके आएगा और अंदर ट्रांसफर कर देगा, है ना. तो अब अंदर कैसे लेके आएगा, इस सेल के अंदर कैसे लाएगा? अगर लिपिड सॉल्यूबल जो हॉर्मोन्स है, अगर सॉल्यूबल हुए हॉर्मोन्स, अगर सॉल्यूबल है मतलब लिपिड में अगर सॉल्युबिलिटी है लाइक, तो एंट्री कर देगा किसके अंदर? सेल के अंदर एंट्री हो जाएगी अगर सॉल्यूबल होगा तो, है ना. लिपिड के अंदर लिपिड इजीली अपने अंदर एंट्री करवा देगी. लेकिन अगर इनसॉल्यूबल है तो क्या होगा? एंट्री नहीं कर पाएगा, है ना. उसके लिए क्या होगा वो हम फर्दर देखते हैं. पहले एक बार ये इसका देख लेते हैं कि सॉल्यूबल क्या करता है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड सॉल्यूबल है. लिपिड सॉल्यूबल और लिपिड से, लिपिड इसका कॉम्पोनेंट है, मेड अप ऑफ लिपिड्स. ओके, तो अब हमारा हार्मोन आया. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हार्मोन है, ठीक है. हार्मोन क्या करेगा? सीधा एंट्री ले लेगा अब उसे किसके अंदर? सेल के अंदर एंट्री ले ली. क्यों? क्योंकि लिपिड सॉल्यूबल था तो इसका बैरियर कोई भी नहीं मिला, इसे कुछ नहीं हुआ, तो सीधा इसने एंट्री ले ली. अब एंट्री लेने के बाद इसको क्या मिला? इसका रिसेप्टर मिला. ये हमारा क्या है? रिसेप्टर है, ठीक है. अब हार्मोन अंदर आया और इसने किसको ढूंढा? रिसेप्टर को ढूंढा. रिसेप्टर को ढूंढने के बाद इसने क्या देखा? इसको रिसेप्टर मिला और इसने क्या किया? इसके साथ बाइंडिंग कर ली. इस बाइंडिंग को क्या बोला हमने? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ये क्या बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया. अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहां पे एंट्री ले लेगा? हमारी प्रिंसिपल ऑर्गेनली ऑफ द सेल क्या होती है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारा जीनोम प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर. तो ये क्या करेगा? जो हमारा कॉम्प्लेक्स था, ये कॉम्प्लेक्स कहां पे आके बाइंड कर जाएगा? जेनेटिक मटेरियल पे बाइंड कर जाएगा. कंप्लीटली बाइंड कर गया. अगर ये इस पे बाइंड करेगा और क्या होगा? रिएक्शंस होंगी. रिएक्शंस होने के बाद क्या कर देगा? डीएनए को अल्टर कर देगा. डीएनए क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो डीएनए को अल्टर कर देगा. डीएनए को अल्टर करने के बाद क्या करेगा? एमआरएनए को अल्टर करेगा, एमआरएनए पर वर्क करेगा. और एमआरएनए के बाद क्या करेगा? प्रोटीन के सिंथेसिस करा देगा, प्रोटीन को अल्टर करा देगा. अब प्रोटीन जो है, जो हमारा फर्दर, यही तो हमारा मेन प्रोसेस था कि हमने प्रोटीन को अल्टर कराना है. अब हमने प्रोटीन अल्टर करा दिया और अब हमारा क्या होगा? बायोकेमिकल रिएक्शंस हैपन, बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी और जो जो भी हार्मोन जो काम करने आया था भाई सेल के अंदर, वो काम हो जाएगा, ठीक है. इसने क्या किया? डायरेक्ट एंट्री ली और हो गया. अब ये जो लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, ये क्या होते हैं? शॉर्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड सेकंड इज स्लो होते हैं. स्लो तो होते हैं ये वाले जो मैकेनिज्म, जो ये प्रोसेस होता है ये स्लो होता है, लेकिन क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है. ऐसा नहीं होता कि भाई एक बार किया फिर दोबारा किया फिर तीसरी बार, ऐसा नहीं होता. लॉन्ग लास्टिंग होता है बट क्या होता है? थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है. अब हम देखते हैं लिपिड इनसॉल्युबल. लिपिड इनसॉल्युबल में क्या होता है? देखो ये क्या है? मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सी ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड सॉल्युबल है, है ना. लिपिड सॉल्युबल होती है, लिपिड से बनी होती है. लेकिन हमारा हार्मोन क्या है? लिपिड इनसॉल्युबल है. तो क्या होगा? इसके अंदर एंट्री ले पाएगा? नहीं ले पाएगा. एंट्री नहीं ले पाएगा तो क्या? अब हमारा हार्मोनल एक्शन ही नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा? अगर मान लो ये एंट्री नहीं देगा तो क्या करेंगे? अब हम काम करना छोड़ दें? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. तो क्या होगा? जो सेल है, हमारी बॉडी है, इन्होंने क्या बनाया? एक अच्छा मैकेनिज्म था कि भाई इन्होंने रिसेप्टर को ही बाहर कर दिया. अल्टीमेट काम क्या होता है? रिसेप्टर के पास ही तो जाना है इसको. इन्फॉर्मेशन क्या है? रिसेप्टर के पास ही तो ऐड करेगा पहले जाके. तो रिसेप्टर को हमने क्या कर दिया? बाहर ही कर दिया. अभी तो क्या था? इनसाइड द सेल था, अब हमने बाहर ही लगा दिया. अब क्या होगा? हमारा हार्मोन है, हार्मोन आया और रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया. अब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और ये क्या करेगा? अंदर फर्दर
सिग्नल पहुंचाएगा किसको, जी प्रोटीन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारा, जी प्रोटीन प्रेजेंट है सेल के अंदर, क्या प्रेजेंट है, जी प्रोटीन प्रेजेंट है। ये जी प्रोटीन को सिग्नल देगा और जी प्रोटीन क्या करेगा, जी प्रोटीन बेसिकली किससे अटैच होता है, जीटीपी से अटैच होता है, ठीक है, जी प्रोटीन, जी प्रोटीन होता है। अब ये जी प्रोटीन क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा किसको, फर्दर एडिनाइलाइल साइक्लेज को, साइक्लेज एंजाइम को, ठीक है, एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम को। अब एंजाइम है तो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा, है ना, सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करेगा। तो इसका एडिनाइलाइल साइक्लेज का कौन होगा सबस्ट्रेट, एटीपी, नाम से पता चल रहा है एडिनाइलाइल और एटीपी। तो एटीपी क्या करेगा, एएमपी प्लस 2-फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा, जो ये एंजाइम है कौन सा एंजाइम है, साइक्लेज एंजाइम है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी हो जाएगा। अब ये जो हमारा साइक्लिक एएमपी है, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, सेकेंडरी मैसेंजर हो जाएगा। अगर सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी है तो प्राइमरी मैसेंजर कौन होगा, हार्मोन। हमारा प्राइमरी मैसेंजर कौन हुआ, हार्मोन हुआ। अब जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये फर्दर किसको एक्टिवेट करेगा, मेन जो है प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, जो कि पूरी बॉडी में रिएक्शंस को एक्टिवेट करेगा फर्दर, और हमारे मैसेंजर जो सिग्नल आया उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। अब कौन आया, प्रोटीन काइनेज। अब प्रोटीन काइनेज क्या करा देगा, फिर फर्दर बायोकेमिकल रिएक्शंस करा देगा, ठीक है, जितने भी रिएक्शंस होंगे वो सारी रिएक्शन कौन करा देगा, प्रोटीन काइनेज। अब क्या हुआ हमारा, इसके बाद यही तो हमें करना था, है ना, इनसॉल्युबल को क्या करना था, बायोकेमिकल रिएक्शन, यहाँ पे भी हमें रिएक्शन करनी थी, तो दिस इज डन, लिपिड इनसॉल्युबल। उसके बाद एक चीज और याद रखनी है हमें, कैस्केड रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है कैस्केड रिएक्शन का मतलब, कि पहले एक ने इसको सिग्नल दिया, इसने इसको सिग्नल दिया, इसने इसको, तो वन बाय वन, है ना, सीढ़ी बन गई ना, एक ने फिर दूसरे ने फिर तीसरे ने, तो कैस्केड प्रोसेस हो गया, कैस्केड रिएक्शन। दूसरी चीज एम्पलीफाइड, ये वर्ड्स याद रखने हैं, एम्पलीफाइड, एम्पलीफिकेशन रिएक्शन। कैसे, कि भाई पहले एक हार्मोन था, इसने रिसेप्टर को किया। अब जरूरी थोड़ी है कि एक ही जीटीपी प्रोटीन को ये एक्टिवेट करेगा, नहीं, बहुत सारे जीटीपी प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकता है। फिर ये आगे फर्दर बहुत सारे एडिनाइलाइल साइक्लेज को कर सकता है, फिर ये आगे, तो ऐसे ही क्या चलता रहता है, इसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे चलता रहता है। इसके बाद ये था, अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, इनको याद कैसे रखेंगे, कैसे याद रखेंगे। देखो ये जो है ना, ये वाले हॉर्मोन्स हमारे कहा है, टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, एज इट इज। इसको याद कैसे रखेंगे बच्चों, देखो जो पहले हैं पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हॉर्मोन्स हैं, इनको कैसे याद रखेंगे, पीएच इज इक्वल्स टू पीएच, पीएच हमें दिमाग में रहता है, हमारे पीएच क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं उसमें पीएच पढ़ते हैं, तो पीएच इज इक्वल्स टू पीएच, पी से प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, पी से जितने भी पी होते हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, एच से हॉर्मोन, हॉर्मोन। अगर मैं पीएच की बात करती हूँ, पीएच, तो इस वाले पी का क्या मतलब है, पेनक्रियाज और पिट्यूटरी, पी से याद रखना, पेनक्रियाज और पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, और पेनक्रियाज का कौन सा होता है, इंसुलिन और ग्लूकागन होता है, तो ये आ गया। इसके बाद आता है एच, एच से बनता है हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गया। सेकंड आते हैं हमारे पास स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स, ऑइड्स, केमिस्ट्री से याद रखना कि स्टेरॉइड्स कुछ ना रिएक्शंस हो रही होंगी, स्टेरॉइड्स का क्या मतलब है, कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी, तो हमारी केमिस्ट्री में क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। और हमें ये भी पता है कि जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऑन होता है, ऑल होता है, तो जितने भी ऑल, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, तो ये जितने भी हैं, ये सारे हमारे स्टेरॉइड्स हैं। उसके बाद आइडोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन क्या है, थायरॉयड हार्मोन, ये हमारे दिमाग में रहता है कि भाई T3 और T4 थायरॉयड हार्मोन है, आयोडीन का कंपोनेंट होता है, तो ये तो हम याद रह जाएगा। दूसरा आता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कैसे याद रखोगे, ए से अमाइनो एसिड डेरिवेटिव क्या थे, एड्रेनालिन, नोरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, तो ए से अमाइनो एसिड और ए से एड्रेनालिन, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे इनको, बाय द निमोनिक्स। सेकंड वन हमने अभी क्या पढ़ा था, हार्मोनल एक्शन पढ़े थे ना, तो देखो ये हमारे टेक्स्ट बुक में है एज इट इज, कि ये किसका है, अगर रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, अगर तो बाय लेयर पे प्रेजेंट है, अगर लेयर पे प्रेजेंट है
तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा लिपिड, इनसॉल्यूबल हो जाएगा. इसमें एग्जाम्पल दे रखा है FSH का, हमारा कौन सा हॉर्मोन है FSH. FSH कहाँ पे काम करता है, ओवेरियन मेम्ब्रेन पे काम करता है. तो इसने क्या किया, ओवेरियन मेम्ब्रेन है हमारी, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, रिस्पॉन्स जनरेट किया, साइक्लिक एएमपी, उसके बाद बायोकेमिकल रिएक्शंस हुई और क्या हुआ, और ओवेरियन ग्रोथ होने लग गई. दिस इज ऑल अबाउट लिपिड इनसॉल्यूबल. सेकेंड है हमारे पास लिपिड सॉल्यूबल. लिपिड सॉल्यूबल में क्या था, डायरेक्ट एंट्री, इसने एंट्री ली. कौन सा हार्मोन है लिपिड सॉल्यूबल, कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं सारे वो होते हैं, है ना. तो कौन सा हार्मोन आया, एस्ट्रोजन आया, जो लिपिड सॉल्यूबल था. इसने क्या किया, एंट्री ली डायरेक्ट सेल के अंदर. सेल के अंदर डायरेक्ट एंट्री लेने से क्या हुआ, इसने रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए को ऑल्टर कर दिया, एमआरएनए बनाया, फिर प्रोटीन्स बनाए, और जो फर्दर ग्रोथ, जो फिजिकल फिजियोकेमिकल रिएक्शंस जो होनी थी वो रिएक्शंस कराई. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस न्यू टॉपिक. थैंक यू.